सिंगरौली में राहुल गांधी के संसद सदस्यता और स्थानीय समस्याओं को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देते हुए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और जल्दी मांगों को नहीं माने जाने पर फिर धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर के नेतृत्व में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के साथ ही जिले की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने कहा जनता भाजपा सरकार से परेशान है, जल्दी कमलनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। इसके साथ ही लाडली बहनों को हमारी सरकार 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह देगी। जो मांगे जिला स्तर की थी उसको उन्होंने 15 दिन के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया। जो शासन के स्तर की है या भारत सरकार की है तो भारत सरकार भेजने का उन्होंने निर्णय लिया और ये हमने आश्वासन दिया है कि हम जो आपने मांग रखी सभी मांगों को उन्होंने मान लिया। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि हमने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, हमारी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया है, लेकिन यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग फिर से धरना देने के लिए बाध्य होंगे। राज्य सरकार और भारत सरकार को जिला प्रशासन भेजेगा और जो जिला स्तरीय विषय था उसके लिए समय सीमा सुनिश्चित हुई है। 15 दिन के अंदर बिजली और पानी की जो समस्या का है, हैंडपंप संधारण, बिजली के मेंटेनेंस का, ट्रांसफार्मर बदलने का, उसके लिए लिखित में आश्वासन दिया है। बाकी विषयों के लिए 1 महीने का जो जिला स्तर का विषय है, 1 महीने का जिला प्रशासन ने लिखित में आश्वासन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने में समाधान करेंगे और समाधान अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे और फिर बड़ा आंदोलन होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।